इतना हद तक देखा हूँ कि ड्राइवर भाई 365 दिन भर पेट खाना नहीं खाते, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनको भर उनको उनके मेहनताना का तनख्वाह नहीं मिलता है, उनको लूटा जाता है, उनको मारा जाता है। तो हमारी सबसे पहले भारत सरकार से मांग है कि सबसे पहले देश के ड्राइवर भाइयों को रोड पर सुरक्षा दिया जाए। इसी सुरक्षा को लेकर हमने भारत सरकार से सारथी सुरक्षा कार्ड की मांग की है, जिसमें ड्राइवर भाई को 20 लाख रुपए का मैच्योरिटी बीमा मिले, 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा मिले और 60 साल के बाद जब ड्राइवर भाई हो जाए तो उनको सरकार के द्वारा सारथी पेंशन के नाम से पेंशन दिया जाए, जिससे कि वो अपना बुढ़ापे का जो आगे का जीवन है वो यापन कर सकते। यहाँ पर आप किसको ज्ञापन दे रहे हैं? नितिन भाई गडकरी जी को, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, और हमने प्रधानमंत्री जी को भी दिया है और गृह मंत्री जी को भी दिया है। मांगे तो सर हम लोग कई आज लगभग 3 साल से कर रहे हैं, परंतु सर आगे 100 दिन सरकार का होगा, 100 दिन हमने दे दिया है अपने अल्टीमेटम अपने मांग पत्र में, 100 दिन सरकार का। अगर सरकार अब भी हमारी बात को नहीं मानती है तो 101 दिन वो हमारी संस्था का होगा, हमारे सारथी भाइयों का होगा, देश के ड्राइवर भाइयों का होगा, और हम अपने अधिकार के लिए चक्का जाम करेंगे, हड़ताल करेंगे, नेशनल हाईवे रोकेंगे, कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्योंकि एक कहावत है कि अगर प्रेम से ना मिले, सीधी उंगली से घी ना निकले, तो उंगली टेढ़ी करना पड़ता है। तो अब हम लोग ने बहुत हद तक यहाँ तक पैदल आज जो इतिहास में नहीं हुआ किसी मांग को लेकर किसी संसद से कि 40 दिन 1200 किलोमीटर पैदल चला जाए, फिर भी हमने अपने ड्राइवर भाइयों को जागरूक करने के लिए सरकार को अपनी तकलीफ बताने के लिए किया, मगर अब देखते हैं कि सरकार क्या सोचती है, हमारी मांग देती है या नहीं देती है। सरकार की तरफ से भी कोई बहानेबाजी होती है, परंतु कुछ आश्वासन नहीं मिलता है, क्योंकि हमने 16 में 17 में कई बार इस मांग का मांग किया, मगर कुछ सर एक दिन का है। हम लोग आज सुबह यहाँ पर पहुँचे हैं और बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते हुए नेशनल हाईवे नंबर 8 से हम लोग आए। हम 5 भाई थे, सामने हमारी गाड़ी भी है, हम लोग पैदल आए और गुजरात से, गुजरात से 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती पर हम लोग, जैसे हमारे गुजरात में गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी अपने अधिकार को लेकर नमक के लिए, हम लोगों ने सोचा कि चलो हम गांधीगिरी करते हैं और सरकार हमारी मांग ऐसी नहीं बने, कदाच हमारी पद यात्रा से सरकार का दिल पिघल जाए, ड्राइवर भाइयों के लिए कुछ तिजोरी फूल दे, हमारे हमने साथी सुरक्षा कार्ड बहुत सारे ड्राइवर लोग इक्ट्ठे हुए हैं, जो की अपनी मांगों को लेकर सरकार के और जगह आगे जारी रखेंगे। मैं कैमरामैन पलक एवं अरविंद सागर जनवार टाइम्स की ओर से आप सभी का और हमारे जनवार टाइम्स के कुछ बातें बताइए कि आज आपसे मैं एक अपने दुख की बात बताना चाहता हूं। अगर आप मीडिया कि हम लोग एकता में नहीं है, दूसरा कि हम वोट नहीं कर पाते हैं, और जब हम वोट नहीं कर पाते हैं तो इसी का सरकार फायदा उठाती है, क्योंकि सरकार को तो वोट से मतलब होता है। तो भाइयों, हमें वोट करने के लिए हमने जो मांग रखी है ऑनलाइन वोटिंग, अगर इसकी सुविधा सरकार किसी भी तरह बढ़ाती है, हमारे जो चालक हैं जो मतलब लॉन्ग रूट पर चलते हैं ट्रक लेकर के, वो कभी वोट नहीं कर पाते हैं, ये आप सभी ट्रक चालक भाई जानते होंगे। तो जो व्यवस्था हो सके सरकार से ऑनलाइन करे या कोई सिस्टम बनाए, ये हमारी सरकार से डिमांड है कई माहों के अंदर। तो मैं आशा करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर के भारत देश के जितने भी यूनियन पदाधिकारी हैं वो सभी लोग मिलकर इन सभी माहों को उठाएंगे, तो सरकार एक ना एक दिन झुकेगी, ऐसा आप मानते हैं? जैसा कि मैंने इसमें जाना थोड़ा पीछे में गया तो मैंने देखा था कि 8 मई 2016 को एक सरकार ने कमेटी बनाई थी दिल्ली के लिए, वो आज तक कोई काम नहीं कर रही है। उसके बाद पार्लियामेंट में रणवीर गांधी जो एमपी थे उन्होंने आवाज उठाई थी, हमारे
हक के लिए कि जो 19 से 20 करोड़ की आबादी है उसके लिए कुछ पुख्ता जवाबदेही तैयार की जाए सरकार से, तो वहाँ जवाब मिला था कि हमने एक कमेटी बना दी है जो 3 महीने में जवाब देगी। उस कमेटी का आज तक शायद कोई जवाब नहीं आया है, क्योंकि उसकी अध्यक्षता उस टाइम वित्त मंत्री थे, वो पीयूष गोयल जी कर रहे थे। आज के शायद समय में वो ऊर्जा मंत्री और कोयला मंत्री जी हैं। तो एक सवाल उठता है कि हमारे जो भी लेटर्स जाते हैं वो सब कचरे के डिब्बे में डाल दिए जाते हैं। इसका मुख्य कारण आप जानते हैं कि हमारी एकता नहीं है, जिसके लिए मैं सबूत देता हूं आपको कि हमने जो लेटर दिए हैं सरकार को, पिछली बार जो दीपक गोयल जी आए थे उसका लेटर मैं दिखा देता हूं। ये परिवहन विभाग को हमने 7 तारीख को दिया हुआ है, इसका सबूत मेरे पास है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्होंने जब हमने लेटर दिया था तो ये कहा था कि हम 3 से 4 दिन के अंदर आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, लेकिन आज तक कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया गया है। इससे पहले भी हमारे युवराज महले जी ट्रक ड्राइवर वेलफेयर के एसोसिएशन के अध्यक्ष उस टाइम पहुंचे, लेकिन अभी तक कोई मीडिया वाले ने हमें रस्ते में आकर ना कवरेज किया है, इसलिए हमारा कारण है कि मीडिया को चाहिए नोट भरकर, तो ये काम आदमी कहाँ से नोट दे पाए। तो आज जो भी मीडिया है, चाहे आज तक एबीपी हो, कोई भी हो, XYZ जो भी मीडिया है, सबसे पहले उनको नोट चाहिए, उनको सच्चाई दिखाने का, पब्लिक के पास पहुंचाने का उनका कोई माध्यम नहीं है। आज एक जैसे दुकान खुली रहती है, उस तरह से आज हमारे देश की मीडिया है। और आपको अगर हमारे सब खराब लगते हैं तो मैं आपको बहुत धन्यवाद चाहता हूँ, परंतु ये होना नहीं चाहिए। और ये पहली बार देश लगभग आज देश को आजाद हुए 73 साल हुआ है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की मीडिया बिक चुकी है। थैंक यू। मीडिया एक ऐसा होता है कि इंसान का तराजू होता था, जो प्रशासन की बात और पब्लिक की बात को एक माध्यम बनता था, जहां से एक नागरिक को, एक किसान को, एक आम आदमी को इंसाफ दिलाने का जो मुख्य भूमिका निभाता था वो है मीडिया। परंतु मुझे आज दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मीडिया भी आज दिख चुकी है, क्योंकि मैं आपके चैनल में ये बात नहीं बताना चाहिए, परंतु एक कुत्ता रोड पर मर जाता है तो मीडिया वाले टीवी चैनल पर 10 बार दिखाते हैं घुमा घुमा, यहाँ तक कि देखने वालों का सर पका डालते हैं। मगर हम 1200 किलोमीटर पैदल चल के भाइयों को सबसे पहले रोड पर सुरक्षा मिलनी चाहिए। आज सर हम 2 अक्टूबर से आज 40 दिन हो गए पैदल चल कर आए हैं, नेशनल है पूरे गुजरात से हम लोग 5 किलोमीटर पैदल आए 40 दिन में। आज 40 दिन पूरा हुआ है, हमने रोड पर जो तकलीफ देखा हो, जो दर्द देखा हो, तो अगर हम आप लोगों को आपके मीडिया चैनल को मैं बताऊं तो हमारे पास शब्द नहीं। हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे देश के ट्रक ड्राइवर भाई इतनी बदतर जिंदगी जी रहे हैं।